नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। हूं आपके साथ शिवानी पांडे। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने लव जिहाद पर अध्यादेश पास कर दिया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में अध्यादेश पास किया गया। अध्यादेश के मुताबिक धोखे से धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सजा होगी। इसके अलावा धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी को 2 महीने पहले सूचना देनी होगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान किया था कि हम लव जिहाद पर नया कानून बनाएंगे ताकि लालच, दबाव, धमकी या झांसा देकर शादी की घटनाओं को रोका जा सके। यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि अध्यादेश में धर्म परिवर्तन के लिए 15,000 रुपए के जुर्माने के साथ 1 से 5 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। अगर एससी एसटी समुदाय की नाबालिगों और महिलाओं के साथ ऐसा होता है तो 25,000 रुपए के जुर्माने के साथ 3 से 10 साल की जेल होगी। उन्होंने कहा कि यूपी कैबिनेट उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 लेकर आई है, जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सामान्य रखने के लिए और महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए जरूरी है। अब उत्तर प्रदेश में अगर धोखे से धर्म बदलवाया गया तो उस व्यक्ति को 10 साल की सजा हो सकती है। इसी के साथ आप देख रहे हैं आज की खबर। नमस्कार।